Assalamualaikum, welcome to KookingK.com. आज हम बना रहे हैं अचार गोश्त। तो अचार गोश्त बनाने के लिए हम सबसे पहले इसका मसाला तैयार करेंगे। मसाले के लिए मैंने एक चाय का चम्मच मेथी दाना लिया है, एक खाने का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक खाने का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, एक चाय का चम्मच हल्दी, एक चाय का चम्मच कलौंजी, एक खाने का चम्मच धनिया पाउडर, डेढ़ चाय का चम्मच सौंफ, एक चाय का चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला और डेढ़ चाय का चम्मच मैंने यहाँ नमक लिया है। अचार गोश्त में खटाई के लिए टाटरी का इस्तेमाल किया जाता है, मगर हम टाटरी का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि टाटरी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। हम इसकी जगह पर लीमू का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद एक ग्राइंडर ले लेंगे और इसमें डाल देंगे फेनुग्रीक सीड, कलौंजी, सौंफ डाल देंगे, सफ़ेद ज़ीरा डाल देंगे। अब हम इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो यह मसाला हमने ग्राइंड कर लिया है। इसके बाद इस ग्राइंड किए हुए मसाले में डाल देंगे गरम मसाला, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, साथ ही इसमें नमक शामिल कर देंगे और एक चम्मच की मदद से इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना मत भूलें ताकि मेरी डेली आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। इसके बाद इस मसाले में से हम दो खाने के चम्मच मसाला अलग कर लेंगे मिर्चों में फिलिंग के लिए। यहाँ मैंने मसाला अलग कर लिया है। अब हम गोश्त को मैरिनेट करेंगे। यहाँ पर मैंने 400 ग्राम बीफ लिया है, आप चाहें तो चिकन भी ले सकते हैं। आधा कप फेंटा हुआ दही लिया है, तैयार किया हुआ चार गोश्त का मसाला लिया है, दो खाने का चम्मच लीमू का रस और डेढ़ खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है। इसके अलावा तीन टमाटरों को मैंने यहाँ पर ब्लेंडर में अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। अब हम गोश्त में सबसे पहले मसाला डाल देंगे, लीमू का रस डाल देंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, फेंटा हुआ दही डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद हम इसे तकरीबन एक घंटे के लिए छोड़ देंगे। इसके बाद मैंने यहाँ पर चार अदद हरी मिर्चें ले ली हैं। यहाँ मैंने मसाला ले लिया है अचार गोश्त का और यहाँ एक अदद लीमू का रस लिया है। मिर्चों को मैंने दरमियान से कट लगाकर इसके बीज को निकाल लिया है। अब हम मसाले में लीमू का रस डाल देंगे और एक चम्मच की मदद से इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो यह मसाला तैयार हो चुका है। अब हम एक अदद हरी मिर्च लेंगे और चम्मच या हाथ की मदद से मसाले को मिर्च में अच्छे से फिल कर लेंगे। बाकी ये तमाम भी हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। तो मैंने यहाँ तमाम मिर्चों को इसी तरह से तैयार कर लिया है। अब हम मिर्चों को साइड पर रख देंगे। इसके बाद हम एक पैन में एक चौथाई कप तेल ले लेंगे। जैसे ही तेल गर्म होगा हम इसमें मैरिनेट किया हुआ गोश्त डाल देंगे और इसे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए दरमियानी आँच पर अच्छे से भून लेंगे। अब हम इसमें 2 गिलास पानी डाल देंगे और इसे कवर कर गोश्त के गल जाने तक पकाएंगे। तो यहाँ आधा घंटा हो चुका है और गोश्त हमारा अच्छे से गल चुका है और पानी भी इसका अच्छे से खुश्क हो गया है। अब हम इसमें टमाटर का प्योरे डाल देंगे और इसे इतना भुनेंगे कि टमाटर का पानी अच्छे से खुश्क हो जाए और ऑयल अलहदा हो जाए। तो यहाँ टमाटर भुन चुके हैं। अब हम इसमें तैयार की हुई हरी मिर्चें डाल देंगे और इसे 5 मिनट के लिए दम पर रख देंगे। तो यहाँ पर 5 मिनट हो चुके हैं और मज़ेदार अचार गोश्त हमारा तैयार है। उम्मीद करती हूँ आज की ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।